ये क्वेश्चन नंबर सेवन एक्सरसाइज टू पॉइंट वन का ये क्वेश्चन सेवन बोल रहा है ए इज इक्वल टू वन टू बी इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर सी इज इक्वल टू फाइव सिक्स एंड डी इक्वल टू फाइव सिक्स सेवन एट वेरीफाई दैट पार्ट वन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी एंड सेकेंड पार्ट ए क्रॉस सी इज ए सबसे टॉप बी क्रॉस डी तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन यानी ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इसका एल एच एस लेके चलते हैं हम लोग एल एच एस है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी अब यहां पर देखिए सेट ए तो हमें मालूम है क्वेश्चन में दिया हुआ है लेकिन बी इंटरसेक्शन सी हमको दिया हुआ नहीं है तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी तो बी इंटरसेक्शन सी बी सेट यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर है और सी है फाइव सिक्स तो दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पर बी uh, का एलिमेंट है वन टू थ्री फोर और सी का एलिमेंट है फाइव सिक्स कोई भी कॉमन नहीं है इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी जो है ये फाइव हो गया अब ये ए हमें पता है और बी इंटरसेक्शन सी भी पता हो गया तो अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जब हम लोग करेंगे तो ये आया आपका ए ए का एलिमेंट ए का एलिमेंट है वन टू ए का एलिमेंट है वन टू और क्रॉस करना है इसका फाइ के साथ किसी भी सेट का जब नल सेट के साथ फाइव के साथ क्रॉस करते हैं तो उसका आंसर जो है वो फाइ ही आता है तो ये फर्स्ट एल निकल गया अब इसका आर एच एस लेके चलते हैं तो आर एच एस में है आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी अब ए और बी यहाँ पर दिया हुआ है तो ए क्रॉस बी जब करेंगे हम लोग पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू अब देखिए ए क्रॉस बी करते हैं तो वन 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 टू वन टू वन थ्री वन फोर टू वन टू 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 थ्री टू फोर ये हो गया ए क्रॉस बी और अब निकालना है आपको ए क्रॉस बी हो गया आपका ए और बी का क्रॉस हो गया अब करना है आपको ए क्रॉस सी तो ए क्रॉस सी जब करने जाएंगे तो अब यहां पर देखिए ए का एलिमेंट है वन टू और सी का एलिमेंट है फाइव सिक्स तो ए क्रॉस सी करने जाएंगे यहीं से करते हैं तो ये देखिए वन फाइव वन सिक्स फिर हो गया टू फाइव और हो गया 6 ये हो गया अब दोनों में जब इंटरसेक्शन करते हैं a क्रॉस b a क्रॉस b इंटरसेक्शन <coughs> a क्रॉस c देखिए इसमें से 1 5 कहीं नहीं है 1 6 भी इसमें कहीं नहीं है 2 5 भी नहीं है और टू सिक्स भी नहीं है तो कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है तो इसका भी आ गया फाइव देयर फोर वी कैन से एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस और ये हो गया आपका वेरीफाइड अब जब ये वेरीफाइड हो गया तो अब सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं तो सेकेंड पार्ट पार्ट में है ए क्रॉस सी इज ए सबसे टॉप बी क्रॉस डी तो ए क्रॉस सी हमको देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने ए क्रॉस सी को निकाला है तो ए क्रॉस सी वहीं से हम लोग ले लेते हैं ए क्रॉस सी इज इक्वल टू हो गया वन कोमा फाइव वन सिक्स टू फाइव टू सिक्स ये हो गया ए क्रॉस सी अब निकालना है आपको बी क्रॉस डी तो बी क्रॉस डी निकालने के लिए बी आपका दिया हुआ है बी है आपका वन टू थ्री फोर एंड डी है डी है आपका फाइव सिक्स सेवन एट अब इसका जब हम क्रॉस करते हैं तो ये हो गया वन फाइव वन फाइव वन सिक्स वन सेवन वन एट फिर हो गया टू फाइव टू सिक्स टू सेवन टू एट फिर हो गया थ्री फाइव थ्री सिक्स थ्री सेवन थ्री एट फिर हो गया आपका फोर फाइव फोर सिक्स फोर सेवन फोर एट आपका इसमें भी फोर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं इसमें भी फोर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं तो दैट इज़ बी क्रॉस डी जब निकालेंगे तो सिक्सटीन एलिमेंट होगा तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन तो यानी बी क्रॉस डी आपके हाथ में है और ए क्रॉस सी अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये वेरीफाई करना है आपको ए क्रॉस सी जो है सबसेट है बी क्रॉस डी का तो बी क्रॉस डी जो है बड़ा सेट होना चाहिए तो बी क्रॉस डी में ज़्यादा एलिमेंट है ये बी क्रॉस डी बड़ा है और ए क्रॉस सी छोटा है अब ये भी देखना है कि ए क्रॉस सी का सारा का सारा एलिमेंट बी क्रॉस डी में अगर प्रेजेंट होता है तो वो उसका सबसेट कहलाता है तो यहाँ ए क्रॉस सी में है वन फाइव यहाँ पर बी क्रॉस डी में भी है वन फाइव ए करॉस सी में है वन सिक्स बी क्रॉस डी में भी वन सिक्स और ए क्रॉस सी में है आपका टू uh, फाइव और यहाँ पर देखिए टू फाइव भी है और ए क्रॉस सी में है टू सिक्स टू सिक्स भी है यानी इसके पा चार के चार एलिमेंट बी क्रॉस डी में प्रेजेंट है इसका मतलब जो है हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी और इसको नोटेशन में भी लिख सकते हैं हम ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी वेरीफाइड आपकी जैसी मर्जी वैसा लिखें इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं और इस ढंग से भी लिख सकते हैं अगला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में